हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जनवरी 2020 में जो मंथली टेस्ट हुआ है उसके जो है आंसर कौन कौन से थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आपके सामने जो है पेपर दिया गया है दोस्तों, 1 घंटे का ये पेपर होता है, हर महीने होता है। आईटीआई के अंदर सभी ट्रेनीज को ये देना कंपलसरी होता है दोस्तों, और इसके अंदर जो आपको 20 नंबर के मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनके जो आंसर कौन कौन से थे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी बोर्न इन माइंड व्हाइल रीडिंग ईमेल्स। जब आप ईमेल पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। पहला, चेक स्पेलिंग, यूज फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर एज यूज प्रॉपर ग्रामर। तो स्पेलिंग आप चेक करते हैं सही तरीके से लिखी गई है या नहीं। हैव ए नाइस ग्रीटिंग, भाई अच्छी तरीके से उसके अंदर लिखा गया हाय हेलो। हैव ए प्रॉपर साइन ऑफ थैंक यू सिंसियरली, मतलब थैंक यू सही तरीके से उसके अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा डी, वो बिल्कुल सही उत्तर हो, क्योंकि हम ये सभी चीज़ें चेक करते हैं जब हम जो है ईमेल को पढ़ते हैं या फिर किसी और को भेजते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है, व्हाइल शॉपिंग ऑन द इंटरनेट यू शुड, जब आप इंटरनेट पर शॉपिंग करते हैं कुछ खरीदते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। विजिट साइट्स दैट लुक गुड एंड गुड प्रोडक्ट, आप उन साइट पर जाइए जहाँ पर आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। विजिट साइट्स दैट हैव गुड रिपोटेशन एंड ट्रस्टेड ब्रांड और एस्टेब्लाइज्ड ब्रांड, यानी कि ऐसी वेबसाइट पर जाइए जहाँ पर आपको विश्वास के योग्य जो है प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, विजिट एज मैनी साइट्स एज यू कैन, डाउनलोड डिटेल्स, आप ऐसी वेबसाइट पर जाइए जहाँ से आप जो है उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी भी डाउनलोड कर सकें। तो हमारे जब भी इंटरनेट पर हम शॉपिंग करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि वेबसाइट पर क्या क्या है, वहाँ से हम जानकारी भी देख सकते हैं उसका पूरा रिव्यू। ठीक है, वो अच्छी वेबसाइट हो, गुड प्रोडक्ट मिलता हो, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, मतलब जब आप पासवर्ड बनाते हैं गूगल का या किसी भी चीज़ का, फेसबुक का, तो आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, मजबूत पासवर्ड कैसा होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 8 से ज़्यादा कैरेक्टर का है, कंटेंस नंबर एंड सिम्बल्स, जिसके अंदर नंबर भी हों और सिम्बल्स भी हों। कंटेंस अपर एंड लोअर केस अल्फाबेट, जिसके अंदर कैपिटल और लोअर सभी तरह के अल्फाबेट हों, और या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वही होता है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। अगला है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ए स्पेशल लैंग्वेज, जो आपके सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज होती है, वो होती है दोस्तों आपका बाइनरी कोड, यानी कि 0101। ठीक है, अगला है, द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी दैट हेल्प द स्मार्ट एंटरप्रेन्योर, सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है जो छोटे उद्यमियों की मदद करती है। तो वो है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बाकी की जो दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये सभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा है। ठीक है, छठा क्वेश्चन पूछा गया है, PPE की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। PPE की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि स्वयं की सुरक्षा से संबंधित जो भी औजार उपकरण होते हैं वो इस सवाल में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। सातवां क्वेश्चन है, डैश का मतलब है कार्यस्थल पर नुकसान, विपदा, खतरा, रिस्क, दुर्घटना, चोट या क्षति। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब होता है कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर सुरक्षा, खतरे, रिस्क, इन सभी से कैसे जो है हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने से उत्पादन की गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि जब हम कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे तो उन्हें लगेगा कि व्यवसाय का जो उद्यमी है, जो मालिक है, वो हमारी बारे में सोचता है, तो उनके मन में उद्यम के प्रति जो है सही भावना पैदा होगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी क्योंकि वो मन लगाकर काम करेंगे। अगला है दोस्तों, जोखिम विपत्ति आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो लोगों की वजह से भी जो है जोखिम हो जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उपकरणों की वजह से भी होता है, एनवायरनमेंट की मदद से भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज, यानी कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इन सभी से जो है विपदाएं आ सकती हैं। ईयर प्लग क्या करते हैं दोस्तों, ईयर प्लग हमारे कानों को किससे सुरक्षित रखते हैं दोस्तों। ईयर यानी कि कान,
कानों को जो है हाई डेसिबल साउंड अधिक ध्वनि से जो है हमारे कानों को बचाते हैं, पर्दे को फटने से बचाने के लिए हम ईयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा शूटिंग रेंज पर जब गोलियां चलती हैं तो वहां पर जो है कानों के लिए जो है ईयर प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, हाई डेसिबल साउंड से जो है हमारे कानों की ये रक्षा करते हैं। अगला है, प्रतिदिन निजी व व्यावसायिक जीवन में 3 RS का प्रयोग करके किन संसाधनों के प्रयोग को नियंत्रित कर सकते हैं। 3 RS का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 3 RS का मतलब है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपने साइंस की किताब कभी पढ़ी होगी तो उसमें प्राकृतिक स्रोत जो है हमारे उनको बचाने के लिए जो है हम 3 RS का यूज़ करते हैं। ठीक है, चीज़ों को कम उपयोग करते हैं, उनको रीयूज करते हैं और रिसाइकल करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, प्राकृतिक संसाधनों को जो है बचाया जा सकता है 3 RS का प्रयोग करके। अगला है, ऑटोमोबाइल साउंड्स एंड लाउड स्पीकर से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, यानी कि आपकी गाड़ियों से जो आवाज़ निकलती है, जो लाउड हॉर्न आप बजाते हैं, तो उससे किस प्रकार का प्रदूषण होता है दोस्तों। उससे जो है आपका साउंड यानी कि नॉइज पॉल्यूशन होता है, जिससे आपको दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होगा 12वें क्वेश्चन का। 13वां क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, आरामदेह वातावरण को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा प्रकाश, सही तापमान और कम शोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि हमें गुड प्रकाश चाहिए, राइट तापमान चाहिए और लेस शोर यानी कि जो है शोर शराबा आपको कम होना चाहिए, तभी आप जो है सही तरीके से काम कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ? तो कारखाना अधिनियम जो है दोस्तों सन 1948 में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल दिया गया है, कर्मचारी राजकीय बीमा निगम का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो कर्मचारी राजकीय बीमा निगम का जो प्रधान कार्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, कारखाना अधिनियम किस प्रांत को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कारखाना अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। अगला सवाल पूछा गया है दोस्तों, POSS का मतलब क्या है? POSS का मतलब है दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कम वेतन का प्रावधान है? मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है कि हर चाहे वो व्यक्ति महिला हो या पुरुष हो तो उन्हें जो है समान वेतन दिया जाएगा। तो ये लिखा गया है दोस्तों आपके आर्टिकल 39 यानी कि अनुच्छेद 39 में। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए कम से कम क्या उम्र निर्धारित की गई है? तो यहाँ पे शिक्षुता का मतलब होता है दोस्तों अप्रेंटिसशिप के लिए जब आप जाते हैं तो उस समय आपको शिक्षुत कहा जाता है। ठीक है, तो अप्रेंटिस के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? कम से कम 14 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही होगा, शिक्षुता और 14 साल ही जो है दोस्तों जब आप ITI में प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आपकी जो उम्र है वो कम से कम 14 साल होनी चाहिए, तभी आपको ITI में एडमिशन मिल सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, शिक्षुता अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षुता अधिनियम जो है दोस्तों वो सन 1961 में लागू हुआ था, और इस शिक्षुता अधिनियम से संबंधित अगर आप जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप जो है शिक्षुता अधिनियम पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी अगर आपको फ्यूचर में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।